हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीग्रैंड विजन बाय कोमल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस, जिसमें आज मैं आप सबके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग एंड हॉल वीडियो। एंड ये वाली जो अनबॉक्सिंग एंड हॉल वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है मार्स के प्रोडक्ट्स पे गाइस। एंड मैंने आज तक मार्स के गिने चुने हुए प्रोडक्ट्स ही यूज करे हैं, मैंने उसकी फुल रेंज मंगवाई हुई है इस बार मार्स की, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा सुना है मार्स का। एक तो सबसे अच्छी बात है इंडियन ब्रांड है एज लाइक कफ्स एंड लैशेज, एंड दूसरा ये कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं एंड काफी ज्यादा अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं एज वेल गाइस। सो गाइस, मैं उसी चीज की क्यूरियोसिटी के कारण मैं आज मार्स का ये वाला हॉल लेके आई हूँ। एंड ये वाले जो मार्स के मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ना, ये सारे मैंने परचेज करे हैं मार्स के इंस्टाग्राम स्टोर से गाइस, तो मैं उसी के लिंक्स आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी जो जो मैंने परचेज करा है इंस्टाग्राम स्टोर से मार्स के। तो फटाफट से ओपन करते हैं इस वाले बॉक्स को एंड दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक, जो कि है बिल्कुल सिंपल सा बॉक्स एंड ऊपर मेरी सारी डिटेल्स हैं जो कि मैं आप सबको नहीं दिखाने वाली हूँ। सो अभी फटाफट से मैं ओपन कर लेती हूँ इस वाले बॉक्स को। ये वाला बॉक्स भी अगेन मुझे 3-4 दिन हो गए हैं रिसीव हुए को, जैसे मुझे कफ्स एंड लैशेस का रिसीव हुआ था ना, उसके एग्जैक्टली आई थिंक 1-2 दिन बाद मुझे ये वाला बॉक्स रिसीव हो गया था। सो हाँ गाइज, एक चीज और गाइज मैं आप सबको बताना भूल गई, मैंने ना ये वाले जब ऑर्डर मैंने जब ये वाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे ना मार्स के, तो मुझे एक चीज फ्री में भी मिली है इसमें, एंड वो आपको मेरी वीडियो देखने पे पता चलेगा, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ कि मुझे क्या फ्री में मिला है। एंड काफी अच्छी चीज मिली है मुझे मार्स के प्रोडक्ट्स के साथ फ्री में, सो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मुझे बड़ी अच्छी सी चीज मिली है मार्स वालों ने मुझे फ्री में भेजी है। सो कुछ इस तरह से मार्स वालों ने सामान को भेजा है मुझे। सो देयर इज फर्स्ट, जो कि है मार्स ट्रेंड का सेटिंग पाउडर, एंड दिस इज इन द शेड मैट ट्रांसलूसेंट। मैंने जानबूझ के मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर ही मंगवाया है इसका, एंड देयर इज अ सील्ड ओवर हियर, तो मैं इसे भी कैंची के साथ ओपन करूंगी अभी, ठीक है, जद्दोजहद नहीं करेंगे हम इसके साथ। सो क्वाइट इम्प्रेसिव, सो पैकेजिंग इज क्वाइट लग्जूरियस, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी पैकेजिंग लग रही है, ब्लू एंड आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट के साथ कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है इसका, एंड काफी आप देख सकते हैं स्लीक सी पैकेजिंग है ये वाली। एंड मैंने सुना है ये वाला ना के जो हुडा ब्यूटी है ना, उस वाले ट्रांसलूसेंट का ड्यूप है ये वाला लूज पाउडर, जबकि मैंने हुडा ब्यूटी वाला यूज नहीं करके देखा, बट मैंने सुना बहुत जगह से है कि ये उसी की तरह बिल्कुल काम करता है। एंड आप देख सकते हैं फुली सील्ड है, तो मैं इसे ओपन नहीं करूंगी अभी। एंड गाइज, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप मार्स का वन ब्रांड मेकअप लुक देखना चाहते हो, वैसे मैं भी लाना चाहती हूँ बट आई डोंट नो कि मैं कब ला पाऊंगी, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप सब मेरा मार्स का वन ब्रांड मेकअप लुक देखना चाहते हैं या नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे उस वाले मेकअप लुक में, अभी तक सोचा नहीं है बट कुछ अलग करने की कोशिश करूंगी मैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मार्स की बीबी क्रीम, एंड मेरे पास कोई भी बीबी क्रीम नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने एक ही बीबी क्रीम यूज करी है अपनी लाइफ में, जो कि है गार्नियर की बीबी क्रीम, और मैं मुझे ना तब पता नहीं होता था कि बीबी क्रीम्स को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, या बीबी हो गई, सीसी हो गई, फाउंडेशन होगी, इन्हें कभी भी प्राइमर के बिना अप्लाई नहीं करना चाहिए गाइस। तो उसमें क्या होता है, अगर हम प्राइमर के बिना अप्लाई करते हैं ना, कोई भी बीबी हो, सीसी हो या फाउंडेशन हो, इन तीनों में से कुछ भी हो, डीडी क्रीम भी हो तब भी, तो हमें क्या होता है, हमारे ना पोर्स में सेटल डाउन हो जाती है वो वाली फाउंडेशन, बीबी, सीसी, कोई भी क्रीम। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा प्राइमर की एक लेयर अच्छी सी लगानी चाहिए, जो कि हमारे बीबी, सीसी या फाउंडेशन को अच्छे से स्टिक करके रखे और काफी घंटों तक लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखे। सो दिस इज द बीबी क्रीम एंड दिस इज इन द शेड फेयर। इसमें ना एक शेड था, आई डोंट नो, इसमें 4 से 5 शेड आते हैं गाइस, तो मुझे जो सही लगा मैंने ना वो वाला शेड मंगवा लिया, एंड आई डोंट नो कि ये वाला शेड मुझ पे जाने वाला है कि नहीं, तो अभी चेक कर लेते हैं हम। सो
दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. बड़ी ज्यादा लग्जूरियस वाली पैकेजिंग है गाइस. ब्लैक एंड रोज गोल्ड का कैप है यहाँ पे, तो काफी अच्छी लग रही है यार. पैकेजिंग तो काफी स्लीक एंड अच्छी है. कर लेते हैं इसे ओपन फटाफट से. श्री गणेश करा जाए इसका. तो कहाँ पे अप्लाई करूं मैं, यहाँ पे अप्लाई करते. ओ ओके, सो काफी ज्यादा वॉटरी कंसिस्टेंसी की लग रही है. हो गाइस, इसकी ना फ्रेग्रेंस कुछ जानी पहचानी सी लग रही है. सो दिस इज द शेड. ओके, सो दिस विल मैच माय स्किन टोन और नॉट, आई डोंट नो. सो काफी लाइट वेट है इनका. मुझे ना इसकी फ्रेग्रेंस जानी पहचानी लग रही है. अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि किस चीज की फ्रेग्रेंस है ये, बट बीबी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा लाइट वेट लग रही थी मुझे एंड बहुत ही वॉटरी लग रही है अभी जब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है. एंड आप देख सकते हैं गायब ही हो गई है यहां से. तो आई विल डेफिनेटली ट्राई आउट दिस बीबी क्रीम. सो एक मिनी सा रिव्यू कर ही लेंगे इस पे भी कि कैसी कवरेज है इसकी बीबी क्रीम की. एंड द नेक्स्ट वन इज ओके, सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स विच आर अगेन फ्रॉम मार्स एंड दिस इज मार्स का टेक अ ग्लो. इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि बहुत ही अच्छे वाला इल्यूमिनेटर है एक तरह का. तो देख लेते हैं अभी कैसा है ये. एंड जो मैंने इसका शेड मंगवाया है वो भी मैं आप सबको बता दूं. इसका शेड नेम जो है वो है मून ग्लो 01. तो मुझे ना आजकल पिंक अंडरटोन में, थोड़ा सा पिंक अंडरटोन हो, वो वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं. एंड पैकेजिंग इज वाओ, जस्ट पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है इसकी. एंड सबसे अच्छी बात, जो पैकेजिंग है वो पंप वाली पैकेजिंग है. तो इसे ओपन करके देखो, मुझसे ना रहा नहीं जाता गाइस. तो मैं ना इसे ओपन कर ही लेती हूँ. आई डोंट नो कि ये कैसा वर्क करेगा, बट आई वांट टू सी. तो यहाँ पे इस वाले हाथ पे अब शुरू करते हैं हम काम करना. ओके वाओ, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. एंड आई ब्लेंड दिस आउट. मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप ही देख लो पहले कि कैसा है ये, फिर मैं देखती हूँ. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही नेचुरल ग्लो है. एंड मार्स के ना हर एक प्रोडक्ट की खुशबू जो है ना वो अलग सी है एंड जानी पहचानी सी लग रही है. तो दिस इज हाउ मून ग्लो लुक्स लाइक. तो काफी अच्छे से मेरी स्किन को मैच करने वाला है ये वाला मून ग्लो शेड. तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस फ्रॉम दिस टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर से. तो देखते हैं, मजा आने वाला है इन वाले प्रोडक्ट्स को यूज करने में. एंड जो गाइस इनकी ना आउटर पैकेजिंग है ना मार्स वालों की, इनकी एक बार तो तारीफ करनी बनती है. बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है इनकी जो आउटर पैकेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ब्लैक एंड सिल्वर का मिक्सचर रखा है विच इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रेट. दैट्स इट. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस जो कि अगेन फुली पैक्ड है. एंड दिस इज मार्स इल्यूमिनेटिव बेस. तो 45 ml वाओ, डिजाइंड इन इंडिया. और जो इसकी आई थिंक, हाँ जी, इसका जो शेड मैंने लिया है वो है 02 पिंक बीम. अगेन इसे खोलना तो बनता ही है कि कैसा दिखता है ये. हो वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल पैकेजिंग इनसाइड एज वेल गाइस. सो ना ओके, सो दिस इज क्वाइट लिक्विडी देन दिस टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर से. तो दिस इज अ फुल इल्यूमिनेटर आई थिंक. देखते हैं ब्लेंड करके कि कैसा है. यस, दिस इज अ फुली इल्यूमिनेटर. उसमें कुछ ऐसे चमकी पार्टिकल्स वगैरह नहीं थे, बट इसमें मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छे वाला ग्लो देने वाला है ये. यस, सो दिस इज लुकिंग लाइक रियल मेकअप बेस फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो वैसे वाला लग रहा है मुझे, बिल्कुल सेम टेक्सचर एंड बिल्कुल सेम फिनिशिंग उसकी तरह लग रही है मुझे इसकी. एंड अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, वो भी सेम ही लग रही है मुझे. तो देखते हैं इसे भी ट्राई करके गाइस. सो अभी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये मार्स के लिप ग्लॉस. तो अभी फटाफट से करते हैं इन्हें ओपन. बहुत ही छोटू से हैं ये 3 का पेयर आता है. मैंने अगेन इसमें न्यूड ही मंगवाया है
बिकॉज आई लव न्यूड्स एंड दिस इज काइंड ऑफ अ कैप्सूल. आप देख सकते हैं कितना छोटा है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी उंगली से भी छोटी है ये वाली चीज, देख सकते हैं. एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स, आई डोंट नो, फाइनली ओपन हो गया है. एंड इस तरह से हाउ क्यूट इट इज लुकिंग गाइस. इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है. एंड ओ वाओ, अब देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज्यादा बॉम्ब वाली पिगमेंटेशन है एंड क्वाइट डार्कर शेड. देखने में तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही न्यूड होगा, बट ये वाला थोड़ा सा डार्क शेड है. अगर ये इतना डार्क शेड है तो ये दोनों कैसे होने वाले हैं. अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है मेरे पास. इस वाले प्रोडक्ट के लिए आई हैव अगेन वेटेड सो मच एंड दिस इज अ मार्स फैब्यूलैश मस्कारा. क्योंकि मैंने इस वाले मस्कारा के बारे में ना बहुत ही ज्यादा सुन लिया है एंड इसका जो प्राइस रेंज है ना वो सुन के आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ये है जस्ट 199 रुपीज का. एंड इसके अच्छे अच्छे रिव्यू सुनने के बाद ही मैंने ये वाले मस्कारा को मंगवाया है. एंड आजकल ना मुझे मस्कारास का बहुत शौक चढ़ा हुआ है एंड करंटली जो मैंने मस्कारा इस टाइम पे वेयर करा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फॉल्सिस का इफेक्ट दे रहा है ये वाला मस्कारा. तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी बता दूंगी ये वाला मस्कारा मैंने कौन सा लगाया हुआ है, बट अभी देख लेते हैं. ओके सो हेयर द मार्स का मस्कारा इज, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, रोज गोल्ड एंड ब्लैक का मिक्सचर है. अगेन हम इसका वॉन्ड चेक कर लेते हैं. पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, लग्जूरियस सी पैकेजिंग एंड काफ़ी लाइट वेट पैकेजिंग लग रही है इसकी. बहुत दिनों से वेट करा है मैंने इसका एंड नाउ आई विल यूज दिस मस्कारा गाइस. सो सबसे पहले मैं इसे ओपन करके इसका वॉन्ड चेक करती हूँ कि कैसा है इसका वॉन्ड. ओ जंबो वॉन्ड है गाइस, इसका बहुत ही बड़ा वॉन्ड है. सो देखते हैं इसे ट्राई आउट देखे कि कैसा वर्क करता है ये वाला मस्कारा. मस्कारा में खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है गाइस. मुझे ना खुशबुएं सूंघने का बड़ा ज्यादा शौक है, मतलब फ्रेग्रेंसेस मुझे लेने का काफी ज्यादा शौक है. तो मैं ना प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस, मैं सबसे पहले प्रोडक्ट को ना सूंघ के देखती हूँ एंड उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ प्रोडक्ट्स को हमेशा. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस जो कि है मार्च का ये सील द डील कंसीलर, एक्चुअली नॉट मस्कारा, कंसीलर गाइस. तो इस वाले कंसीलर को भी देख लेते हैं. एंड मैंने अगेन इसमें जो शेड मंगाया है वो नेचुरल शेड मंगवाया है एंड होपफुली ये वाला शेड मुझ पे चला जाए. ज्यादातर मेरे पास जो शेड्स है ना वो नेचुरल आइवरी ऐसे वाले शेड्स ही हैं एंड सूट भी करते हैं. ऐसी बात नहीं है कि मेरी स्किन को सूट नहीं करते, वो सूट भी करते हैं एंड दिस विल डेफिनेटली सूट माई स्किन टोन आई थिंक गाइस. सो मैं ना कंसीलर को खराब नहीं करना चाहती, जब मैं यूज करूंगी ना तभी मैं इस वाले कंसीलर को आप सबको दिखाऊंगी. ये वाला कंसीलर का भी मैंने काफी अच्छा सुना है, ये बिल्कुल काम करता है जैसे स्विस ब्यूटी वाला कंसीलर काम करता है. तो देखते हैं कि कैसा काम करता है ये वाला कंसीलर भी. सो अभी चलते हैं गाइज मेरे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये वाला प्रोडक्ट. एंड ये वाला जो इतना बड़ा प्रोडक्ट है ना ये मुझे आया है फ्री में गाइस. तो फटाफट से ओपन करते हैं इसे. फ्री वाली चीजें ना ज्यादा पसंद आती हैं एज कम्पेयर टू जो हमने खुद से खरीदी है, क्योंकि फ्री वाली चीजों का मजा ही अलग होता है. तो अभी ओपन कर लेती हूँ पहले मैं अपने बक बक बंद करने करके. ओ माय गॉश, आप देख सकते हैं क्या पैकेजिंग है गाइस. और मेरे पास ना मार्क के काफी ज्यादा आई शेडो पैलेट हैं एंड ये वाला तो आई शेडो पैलेट मुझे मिला ही फ्री में है. तो आई हैव ऑलरेडी रिवील्ड कि क्या है इसमें. तो इसमें है आई शेडो पैलेट गाइस जो कि मुझे बिल्कुल एंड बिल्कुल फ्री मिला है. एंड ये है मार्क का स्प्रेडिंग कलर्स इन योर लाइफ को क्यूटिश, आई डोंट नो प्रोनंसिएशन इसकी,
कोक क्यूटिश लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज अ 39 कलर हाईली पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट, और यहाँ पे है इंग्रेडिएंट लिस्ट, एंड जो इसकी MRP है वो है 749 रुपीज गाइज। सबसे महंगे वाला ये प्रोडक्ट है जो मैंने मंगवाया है ना, उन सब में से तो महंगे वाला ही प्रोडक्ट है ये। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ना, उन सभी के प्राइजेस आप सबको स्क्रीन पे ऊपर मेंशन हो रहे होंगे, तो आप चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे तो यू कैन डायरेक्टली परचेज दैट प्रोडक्ट गाइज। तो अभी ये इसकी पैकेजिंग तो कुछ बड़ी ही ज्यादा मतलब सिंपल सोबर सी है, एंड आप देख सकते हैं क्रीम कलर का पैलेट है। तो एंड गाइस, इन सभी के जो लिंक्स है वो भी आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे इनमें से। एंड ओ होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है एक बड़ा सारा मिरर, जिसमें मैं सबसे पहले इसमें आता है एक बड़ा सारा मिरर, एंड दूसरा जो है इसमें है 39 शेड्स ऑफ आई शेडोज, एंड यू ऑल कैन सी कि क्या भाई आई शेडोज है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि मैट आई शेडोज नहीं है, तो इसमें मैट आई शेडोज भी हैं। ओ माय गुडनेस, दिस इज सच अ नाइस शेड, एंड विच शेड आई शुड, ए वाला ये जो कि है, ओ सो दिस पाउडरी भी हैं ये वाले शेड्स, एंड काफी अच्छे लग रहे हैं भाई साहब, मतलब कि अच्छी डील है। ये देखिए आप तीन कलर्स, एंड कहाँ पे, यहाँ पे स्वॉच करती हूँ मैं इन तीन कलर्स को, एंड ओ माय गुडनेस जस्ट वाओ वाले शेड्स हैं इसमें, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम दीज शेड्स। एंड आपको पता है गाइज, इसमें एक लेवेंडर शेड भी है, वाह वाह, जो शेड्स ना मुझे ढूंढे से भी नहीं मिलते वो वाले शेड्स भी हैं इसमें, तो काफी अच्छा शेड है ये वाले, एंड डेफिनेटली इस वाले पैलेट को मैं यूज करूंगी, बहुत ही प्यारे वाला पैलेट है। इसके ना ब्लैक शेड को देखा जाए, ओ दिस इज द ब्लैक शेड, एंड ओ ओके, पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है इस वाले ब्लैक शेड की। तो गाइज, मुझे तो बड़ी ज्यादा अच्छे वाली डील लगी है ना, इसमें काफी अच्छे अच्छे शेड्स हैं एज यू ऑल कैन सी, तो मजा आ गया है ये वाले पैलेट को खरीद के नहीं कहूंगी मैं, गिफ्ट में मिला है मुझे ये वाला पैलेट, या कह लो फ्री में मिला है मुझे ये वाला पैलेट मार्स के इतने सारे प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद। सो गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस फ्री वाले गिफ्ट से। इसी के साथ खत्म होता है मेरा ये वाला बॉक्स, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला मार्स का अनबॉक्सिंग हॉल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन माई दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर माई दिस वीडियो टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, जिसका नाम है द वीग्रैंड विजन बाय कोमल, एंड उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा गाइज, आप उस पर भी हिट कर देना, ताकि जो भी मेरी वीडियोज की अपकमिंग नोटिफिकेशन हो वो आप सबको मिलती रहे गाइज। तो अभी मैं जल्दी ही मिलूंगी आप सबसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज एंड थैंक यू।